क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हुए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी अकर इज 1/6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये दिया हुआ है 1/6, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम अकर्स इज 1/3। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट नाइदर ऑफ देम अकर्स ये दिया हुआ है 1/3। ये क्लियर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसको x मान ले और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसको y मान ले, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ये 1-x बन जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ये 1-y बन जाएगा। और चूंकि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसको लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ये क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाई इक्वल्स टू 1/6, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1-x, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट 1-y इक्वल्स टू 1/3, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन के हेल्प से x और y निकालना है। तो देखिए अगर हम इसको यूज करें तो यहां से y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/6x। ये क्लियर? और इसको अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2, तो देखिए ये बन जाएगा 1-x और 1-y के प्लेस पे 1/6x इक्वल्स टू 1/3, और यहाँ से x सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 1-x, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 6x-1 4/6x इक्वल्स टू 1/3। ये क्लियर? ये टू टाइम्स में कैंसिल, यहाँ पे आ गया ये 1-x इंटू 6x-1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2x। यहाँ पे 1 का इंटू कीजिए तो 6x-1 माइनस x का इंटू करने पे -6x² और फिर प्लस x इज इक्वल्स टू 2x, ये बन गया -6x². 6x + x 7x, -2x 5x, देन -1 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस सबसे आगे हम अलग कर ले तो 6x² -5x + 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये यूज कर सकते हैं। तो ये 6x² इस -5x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं -3x -2x एंड +1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से 3x कॉमन लीजिए तो यहाँ से आ गया x, यहाँ से आ गया -1। इन दोनों टर्म से अगर हम -1 कॉमन ले लें, सॉरी यहाँ पे 2x आएगा, इन दोनों टर्म से अगर हम -1 कॉमन ले तो यहाँ से मिल जाएगा 2x और यहाँ से -1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म से 2x-1 ये कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से मिल गया 3x-1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने पे x आ जाएगा 1/2 और इसको सॉल्व करने पे x आ जाएगा 1/3। ये क्लियर? तो व्हेन x इक्वल्स टू 1/2 तो y ये क्या बन जाएगा? तो देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू 1/6x है, तो ये y इक्वल्स टू 1/6 और x के प्लेस पे 1/2, तो ये आ गया 1/3। ये क्लियर? और व्हेन x इक्वल्स टू 1/3 तो y यहाँ से आ जाएगा 1/6 इंटू x 1/3, ये टू टाइम्स में कैंसिल तो 1/2। ये क्लियर? सो पी अगर 1/2 आया देन पी बी 1/3 आएगा, और पी ए अगर 1/3 है तो पी बी ये 1/2 आएगा।